अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि हमने एक केजी चने की दाल ली थी, उसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। घी हमने हसबे ज़रूरत लेना है। 1 लीटर हमें दूध चाहिए। 1 कप हमें चने की दाल का पानी चाहिए, वो हमारा बच गया था, उसी का हमने पानी रख लिया है। 1 कप हमें शुगर चाहिए। सबसे पहले हमें एक पतीली चाहिए, उसमें हम लोग 1 लीटर दूध डाल देंगे। हमारे पास चने की दाल का पानी रह गया था, अब ये भी शामिल कर देंगे इसमें हम लोग। इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है, इसे से हमने इसका पानी इसमें शामिल कर देना है। अब इसको धीमी आंच पे हम लोग इस तरह से चला देंगे और इसको इस तरह से छोड़ देंगे धीमी आंच पे, ये जब तक बॉईल हो जाएगा। तब तक हम लोग अपनी चने की दाल को पीसने की तरफ चलते हैं। एक हमने फूड प्रोसेसर ले लिया है, अब हम लोग उसमें अपनी चने की दाल को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसको हमने पहले से बॉयल कर लिया था, पानी के साथ बॉयल किया था हम लोगों ने, और इसमें कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था हम लोगों ने। अब हम लोग अच्छी तरीके से इसको पीस लेंगे। हमने इस तरह से इसको पीस लिए, ये देखिए इतना सॉफ्ट है ये। अब ये चने की दाल हम लोग इसमें डाल देंगे, और इसको आप चमचे की मदद से भी कर सकते हैं, विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं हम लोग। मैं अभी इसको विस्क की मदद से मिक्स करूँगा, इसमें एकदम लम्स ना रहे। इसको आप चमचे की मदद से भी मिक्स करेंगे तो लम्स नहीं रहते, थोड़ा टाइम लग जाता है। हमारा अच्छी तरीके से एकदम मिक्स हो गया, कोई भी लम्स नहीं रहे। अब हम इसको चमचे की मदद से चलाते रहेंगे 20 मिनट्स के लिए धीमी आंच पर, और इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक हलवे की शक्ल ना आ जाए। और वो आपको कैसे पता चलेगी, आपका ये दूध रिड्यूस हो जाएगा। ये हमने सारा मिल्क सुखा लिया है, अब ये देखें चने की दाल रह गई है। अब हम लोग 1/2 कप इसमें घी डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। तो 1-2-3 मिनट इसी तरह भूनते रहेंगे ये चम्मच की मदद से, और उसके बाद चखेंगे। अगर आपको और ज़रूरत हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, ये आप देख सकते हैं कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो हम लोग इसमें शुगर ऐड कर देंगे, पहले 1/2 शुगर ऐड करेंगे, इसके बाद इसको टेस्ट करेंगे, इसके बाद 1/2 दोबारा करेंगे। ये हम लोग 1 पिंच इलायची पाउडर डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ हलवे में खुशबू पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको भी मिक्स कर देंगे हम लोग, साथ में 1-2 मिनट इसको चलाएंगे और इस पर चीनी देखेंगे, 1/2 और डालेंगे तो तरीके, तो 1/2 और डाल देंगे। तो ये हो गया भाई हम लोग का हलवा तैयार। तो हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दोनों को जाकर फॉलो कर लें। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की आप लोग तक अपडेट आ सकें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।